में कुछ समझ में नहीं आता, जो लोग आरोप लगाने वाले हैं उनकी पार्टी के मुखिया ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और दम भरी आवाज में कहा था कि आप परिंदा पर नहीं मार सकता, उसी स्थल पर भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, तो आरोप लगाने के अलावा सपा के पास और आप पार्टी के पास कुछ रह नहीं जाता है। जहां तक जमीन का मामला है और चंपत राय का मामला है, चंपत राय ने सारा जीवन अपना राम के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना सर्वथा निराधार होता है। फिर भी अगर संजय सिंह ने कुछ चंदा दिया हो राम मंदिर के लिए तो हिसाब ले सकते हैं, अपना चंदा आपसे वापस ले सकते हैं। और अखिलेश यादव के जिस व्यक्ति ने भी आरोप लगाया, उनने भी कोई चंदा दिया हो तो हमसे रसीद दिखाएं और चंदा वापस ले सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का पुरजोर विरोध किया था, जो ये कह रहे थे राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में ईंट रखी जा सकती, आज भव्य मंदिर निर्माण हो गया, विश्व का सबसे श्रेष्ठ मंदिर अयोध्या में बनने वाला है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।